बता दूं, अगर आप लोग मेरा ट्वीट फॉलो करते हो तो मैंने ये परसों ट्वीट किया कि अरविंद केजरीवाल ने शपथ पत्र दिया था कि मैं कभी जिंदगी में कोई वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। अब आप बताइए अरविंद केजरीवाल साहब कौन सी गाड़ी में चलते हैं, कितने बड़े बंगले में चल रहे हैं, बंगले में स्विमिंग पूल है या नहीं है। और तीसरी बात, जेड प्लस सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर ली। अरे अगर आप वादे, अगर आप ईमानदार, कट्टर तो छोड़िए, खाली ईमानदार भी होते तो आपने एफिडेविट पे जमे रहते। ईमानदारी की बात तो मेरे सदर रजिस्टर सुधीर वैसी से सीखिए, कितनी मरतबा उनकी उनकी गाड़ी पे गोली चल चुकी है और सरकार ने उनको जेड प्लस सिक्योरिटी देने के लिए संसद में गुहार लगाई, गृह मंत्री ने गुहार लगाई। उसके बाद मेरे सदर बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी ने ऊपर वाले पे भरोसा करते हुए उस सिक्योरिटी को ठुकरा दिया। आज भी वो बिना सिक्योरिटी के सिंगल चलते हैं। ये है ईमानदारी, ये तो पाखंड है जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि देश में भ्रष्टाचार से भी सबसे भी बड़ा मुद्दा यह सबसे खतरनाक चीज सांप्रदायिकता है। मैं मिल्लत टाइम्स से रुखसार अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के एमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हाफिज़, और हम इनसे जानेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दा हुआ है पंजाब और उर्दू की शिक्षा को लेकर, जो उन्होंने मुद्दा उठाया उस पर एक बार और हमें बताएं। हमने सिर्फ ये कहा कि दिल्ली सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने शिक्षा पर बहुत काम किया, नया कीर्तिमान स्थापित किया, और दिल्ली सरकार का जो टोटल बजट है 70,000 करोड़, उसमें तकरीबन 27-28,000 करोड़ तालीम पे खर्च करते हैं, लेकिन वो उतने ही जुल्म उर्दू और पंजाबी पे ढा रहे हैं। और ये दो अल्पसंख्यक समुदाय अच्छे खासी तादाद में दिल्ली में रहते हैं और आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। आखिर इन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया कि 2017 में भी इनकी जब वैकेंसी निकाली गई तो भेदभावपूर्ण नीति बनाकर उनको रोक दिया गया, सिर्फ 15% वैकेंसी फिल हुई। 2022 में भी वही ड्रामा हुआ, 917 उर्दू की वैकेंसी थी और 700 कुछ पंजाबी की थी, उसमें भी 15% वैकेंसी फिल हुई। हमने तब ये 9 फरवरी को मुद्दा उठाया था और सरकार के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी कि भाई ये आप अपनी भेदभावपूर्ण नीति ख़त्म करिए, इसको आप जो सेक्शन ए है उसको आप क्वालिफाई करना या पास करना ज़रूरी मत बनाइए, और सेक्शन बी और ए को मिला के मेरिट बनाइए। उन्होंने अपनी गलती मान ली, अब अपनी नीति में उन्होंने बदलाव किया है। अब लेकिन उसमें उन्होंने ये किया कि वो आने वाली वैकेंसी पे अप्लाई होगा, पुरानी पे नहीं होगा। भाई पुरानी पे क्यों नहीं होगा? आखिर 5 साल से तो वो बच्चे आपकी गलत नीति का की वजह से उर्दू और पंजाबी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो तमाम टीचर जो लाइन में लगे हुए थे उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो आप जो सरकार के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो सामने आए और पूरी दिल्ली की जनता से, खासतौर से अल्पसंख्यकों से माफ़ी मांगे कि हाँ वो हमारी गलती थी और अब हमने उस गलती को सुधारा है। दूसरा उसका कफ़ारा ये है कि आपने जो आपकी एजेंसी DSSB ने इम्तिहान लिया था, उसी इम्तिहान के आधार पर ए और बी पेपर की कंबाइंड मेरिट बनाकर उनकी नियुक्ति करें ताकि टाइम बच जाए, सरकार का पैसा भी बच जाए, और फिर भी अगर कोई वैकेंसी रहती है तो उसके लिए अलग से वैकेंसी निकालें और फिर ये अपनी लागू करें। इतना सा आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। सर, ये आपने उर्दू की बात उठाई है तो आपने देखा होगा कि जामिया को ही ले लीजिए, जामिया के 3-4 पुलिस स्टेशन है उससे उर्दू मिटा दी गई है, तो क्या केजरीवाल सरकार भी यही कर रही है कि उर्दू को यहाँ से मिटाना चाहती है? हाँ, केजरीवाल सरकार उर्दू के साथ पूरी दुश्मनी कर रही है, जबकि उर्दू जो है वो दिल्ली सरकार की ऑफिशियल सेकेंड लैंग्वेज है। हर दफ्तर में उसका उर्दू का ट्रांसलेटर होना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, एक उर्दू डेस्क हुआ करती थी मंत्रालय में, उसको ख़त्म कर दिया। दिल्ली उर्दू एकेडमी में बिल्कुल उर्दू ना जानने वाले बिठा दिए और उसके बजट 2 साल तो उन्होंने रिलीज़ नहीं किया था। अब जाके हमने जब ज़्यादा दबाव बनाया तो कुछ किया है। उर्दू टीचर्स पहले से ही कम हैं, जाहिर बात है जब वैकेंसी है तो उर्दू टीचर नहीं होंगे, नए के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है हमने अब डिटेल बता दी। तीसरा, जो उर्दू से मुतालिक उर्दू मीडियम के स्कूल थे उन स्कूलों को भी उन्होंने तब्दील किया है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि उनको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया है। और एक और बात है कि जो उर्दू मीडियम स्कूल चल भी रहे हैं उसमें जो उर्दू जो टीचर हैं, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट का हो, उसका उर्दू नोइंग होना ज़रूरी है, तभी वो उर्दू मीडियम में पढ़ा पाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, उन उर्दू मीडियम स्कूल में भी नॉन उर्दू नोइंग
जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल का उर्दू के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है, मुतासिबाने रवैया है, और हम इसकी मुखालफत करते हैं। यानी कि जो सरकार चल रही है वो मोदी के उस पर चल रही है कि केजरीवाल सरकार भी वही करे जैसे उर्दू मिटाने की कोशिश कर रही है, तो इस पर नहीं, बस मैं इतना कहूँगा कि केजरीवाल सरकार को जितने मोहब्बत और जोश से अल्पसंख्यक समुदाय ने जिताया था उतनी ही शिद्दत से अरविंद केजरीवाल सरकार उनके साथ बेवफाई कर रही है। तो सर एमसीडी चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई एमसीडी चुनाव तो देखिए हम लोग तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने करप्शन से वो डर गई है इसलिए वो चुनाव से भाग रही है, लेकिन जब भी चुनाव होंगे MIM पूरी तरह से तैयार। तो सर अभी देखिए दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है जगह जगह नाले, और अभी यहीं का एरिया देख लीजिए ओखला का तो कितना गंदा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार काम नहीं कर रही इसी वजह से चुनाव के? नहीं देखिए MCD तो अभी BJP के पास है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केजरीवाल के पास है, ये दोनों मिलकर मुस्लिम और दलित बस्तियों को इग्नोर कर रहे हैं। आप कहीं चले जाइए मुस्लिम और दलित बस्तियां गंदी मिलेंगी आपको, इनकी जो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, जो स्कूल वहाँ उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, पूरी दिल्ली में जितने स्कूल हैं जैसे स्टैंडर्ड से हैं वो इस इलाकों में भी होने चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने खोली वो भी होने चाहिए। अगर उन्हीं के अगर मैं स्टैंडर्ड मानूँ तो एक विधानसभा में 10 मोहल्ला क्लिनिक होनी चाहिए, और हमारी तो ओखला सबसे बड़ी विधानसभा है तो यहाँ तो 15 होने चाहिए, लेकिन हैं यहाँ पर 2 या 3। तो ये जो रवैया है भेदभावपूर्ण रवैया केजरीवाल सरकार का, ये सबको पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग आपसे भी बात करते हैं, और हमारे आने वाले वक्त में भी जो हमारे एजेंडा है और जो हमारी हमने तैयारियां की हैं चुनाव की वो यही की हैं कि हम इस सरकार का पर्दाफाश करेंगे। ये अल्पसंख्यक विरोधी है, ये उर्दू विरोधी है, ये खासतौर से गरीब विरोधी है, जिस तरह से इसने शराब को फैशन बनाया है, जिस तरह से इसने शराब को आम किया है और उसमें फंस भी गई है, चूँकि उसमें भ्रष्टाचार बड़ा किया, माफियाओं की मदद की, तो उसमें उसके खिलाफ सरकार के मंत्री भी एक शामिल मतलब उसमें आ रहे हैं घेरे में, संदेह के घेरे में, तो ना तो ये ईमानदार है और ना ही अपने वोटर के साथ वफा कर रहे हैं। तो सर अगर चुनाव हुए MCDI तो MIM के क्या मुद्दे होंगे, मतलब कैसे? MIM के यही सब मुद्दे हैं। MIM तो ये चाहती है कि जो हाशिए पे चले गए वर्ग हैं खासतौर से दलित और मुस्लिम, इनके साथ न्याय हो, इनको तमाम वो सुविधाएं मिलें जो दिल्ली वासियों को मिलती हैं वो इनको भी मिले और अन्याय बंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। ये थे हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश MIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हाफिज। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।